थ्री सीएटा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो है वो समाप्त हो चुका है। दूसरी बार एकाना स्टेडियम में हो रहा है, वन हो रहा है। धीरे धीरे रणनीतियां जो है वो बन चुकी हैं आगे की। अब थोड़ी सी रणनीति जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगर यहां से विकेट गिरता है तो अगला कौन आएगा? टियागो ईवी इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अजिंक्य रहाणे, लगभग 190 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो रन बनाए हैं उसकी वजह से ये टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। ग्लेन मैक्सवेल द बिग शो थोड़ा सा खामोश हो गए हैं कुछ मैचेस से, 183 से हैं तो पूरन भी इलेक्ट्रिक। उनका बल्ला चल गया तो स्कोर अभी भी 120-130 की तरफ जा सकता है, लेकिन क्या वो चलेगा? यहाँ विकेट गिरा तो कौन आता हुआ दिखेगा, तो थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक शना, सीजन के स्ट्राइक रेट की बात करें अभी तो फिर भी पूरन आपको वहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि वो दो पारियाँ बड़ी कमाल की खेल गए। एक चिन्ना स्वामी में ही आई थी, एक पंजाब के सामने मोहाली के मैदान पर आई थी, क्योंकि इस मैदान पे जिसने खेले 7 मैच वो सूची में तो नहीं हो सकता, क्योंकि 130-30 रन का तो मैच होने हैं। यहाँ पर चर्चा ये भी हो रही थी कि किसको लाया जा सकता है, क्या दीपक हुड्डा को आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि रन ही नहीं बने हैं, या किसका बॉलर का करेंगे क्या आप? जी बिल्कुल, और अगर दीपक हुड्डा आते हैं तो मनन बोरा की जगह पे यहाँ पर ये बड़ा शॉट खेला है आयुष बदोनी ने, बेहतरीन शॉट, 6 रन वो काउ कॉर्नर पे। विद द स्पिन ये ऑफ ब्रेक गेम थी, ये वाला शॉट बहुत अच्छे से मारते हैं, 79 मीटर्स का ये छे विजय साउदी बियॉन्ड द बाउंड्री 6 हो सकता है। रिमेंबर इस खिलाड़ी ने वानखेड़े के मैदान पर रशीद खान को पहले मैच में मारे थे छक्के। टाटा न्यू रिवॉर्ड्स लीग, ज्वाइन कीजिए टाटा न्यू रिवॉर्ड्स लीग और पाइए एक्स्ट्रा न्यू कॉइन्स और कई एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, स्मार्टफोन्स, टीवी, टाटा आईपीएल मैच टिकट्स और बहुत कुछ। डाउनलोड कर लीजिए शॉप एंड गेट बिग रिवॉर्ड्स। ये मैदान में देखने आए हैं, इसका लुत्फ जो है ना मैदान में उठाया जाता है। रायडू दिखेंगे इंपैक्ट प्लेयर, बट दीपक हुड्डा अगर आएंगे तो भी उनके पास फिर भी 6 बॉलिंग के ऑप्शन बचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बॉलिंग उनकी वीक हो जाएगी या वो ऑप्शंस नहीं होंगे, तो शायद उस तरफ सोच सकते हैं एलएसजी। ये मेरे विचार में तो हुड्डा को ओपनिंग करा देनी चाहिए थी पिछले मैच में भी और शायद इस मैच में भी। अगर हम मार्कस स्टोइनिस की तरफ देखते फिर समझ में आता, QDK खेल जाते तो समझ में आता, पर अगर वो दो विकल्प आपने नहीं लिए, राहुल है नहीं, दीपक हुड्डा का इस साल का वैसे जो एवरेज है वो 6.6 का है इस पूरे टूर्नामेंट में, सेकंड सबसे खराब है, पर खिलाड़ी बड़ा है, आप चांस तो लीजिए, क्योंकि राहुल के अलावा कोई स्पिन यहाँ खेल नहीं पा रहा है, ये सच है। वो स्पिन बहुत बढ़िया खेलते हैं और फास्ट बॉलिंग भी अच्छी खेलते हैं, तो अगर किसी बल्लेबाज को अगर आपको फॉर्म में लाना है, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया के लिए भी शतक लगा चुके हैं, तो फिर ओपनिंग एक अच्छा मौका हो सकता है, तो पिछले मैच में तो था पूरा मौका। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, वो दो की कोशिश करेंगे, दो मिल जाएंगे। 73/5 लखनऊ, 15 के बाद।